नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमको हर्निया के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, हम आपको हर्निया के बारे में पूरा क्लियर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग हर्निया के नाम सुने होंगे किसी किसी के मुंह से कि हमको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ, हर्निया का ऑपरेशन होता है। ठीक है, और लेकिन दोस्तों यह सोचना है कि हर्निया होता क्या है, यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हर्निया क्या होता है, हर्निया का लक्षण क्या होता है, हर्निया का इलाज क्या है, और हर्निया से कैसे बचें। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में पूरा क्लियर बताने वाले हैं। और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा। ऐसे ही वीडियो में आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि हर्निया। ठीक है, देखिए दोस्तों हर्निया जो है ना वह एक मांसपेशी प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए कि मांसपेशी अगर कमजोर हो जाती है ना, तो शरीर का जो भी ऑर्गन्स होता है ठीक है उसको तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि छेद कर देते हैं। आपको डेमो के माध्यम से समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे मान लीजिए कि यह देख रहे हैं ना खोल, यह है मांसपेशी हम लोग का पेट के अंदर का। ठीक है, और प्लस यह शरीर के अंदर का ऑर्गन्स है, यानी मानिए कि आपको आंत हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, जो भी मान लीजिए यह हो गया। अगर यह मांसपेशी है, यह मांसपेशी अगर कमजोर पड़ जाती है तो ऑर्गन्स जो है इस तरफ फैलता है। ठीक है, ऑर्गन्स अगर किसी कारण से इस तरह हो गया, देखिए कमजोर है तब ना यह बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं इसको छेद आ गया, तो इसी पर जो होता है ना शरीर का ऑर्गन्स बाहर निकलने लगती है, तो वही सूजन आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्निया बोलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि हर्निया वाला पेशी इनको क्या होता है कि इतना बड़ा निकल जाता है। वो कहाँ निकलता है, पेट के नीचे या पेट के ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, जहाँ से ऑर्गन्स उसको तोड़ेगा, यानी कि छेद हो जाता है किसमें, मांसपेशी में। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। अब पूछिएगा कि हर्निया का लक्षण क्या होता है। देखिए दोस्तों हर्निया का जो लक्षण है, हम आपको पहले बताएं कि पेट जो है ना, पेट में या पेट के नीचे ठीक है कहीं भी आपको फूला सा यानी कि सूजन दिखाई देते हैं, वह आपको हर्निया हो सकता है। क्यों, क्योंकि शरीर का ऑर्गन्स जो है ना मांसपेशी को टेल दे रहा है। देखिए फूल जा रहा है, देखिए टेल रहा है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए तेल रहे हैं तो फूल रहे हैं ना, यही सूजन हो जाता है। इस तरह पीठा की तरह हो जाएगा, शरीर का ऑर्गन्स टूट गया, यानी मांसपेशी कमजोर रहता है तो क्या होता है, पीठा की तरह निकल जाता है, या पेट पर या पेट के नीचे, यह मेन लक्षण है। और दोस्तों खांसते समय आप देखिएगा, पेशेंट को लेटा दीजिए और खांस रहा है, और जहां पर भी सूजन हो जा रहा है, इस तरह फूल जा रहा है, तो समझिए कि हर्निया हो सकता है खांसते समय। और कभी कभी किसी को होता है कि इस तरह फूला हुआ निकला है और लेटा दीजिएगा ना, तो लेट जाएगा तो उसको जिस तरह लेटा बस जो फूला हुआ है वो अपने आप पचक जाता है, यह भी हर्निया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इतना लक्षण हो सकते हैं, आप लक्षण पहचान कर आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। हर्निया में कभी दर्द करता है या कभी दर्द नहीं करता है, इसे बिल्कुल नहीं घबराना है। ये नहीं कि दर्द नहीं करे तो हर्निया नहीं हो सकते, हर्निया भी हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग तो लक्षण जान गए, लेकिन यह जानते हैं कि हाँ कि हर्निया का कारण क्या होता है जिसकी वजह से हर्निया हो जाती है। देखिए दोस्तों हर्निया एक बीमारी होता है ना, तो वो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर किसी काम अगर कर रहे हैं, कोई काम करेगा बहुत ज़्यादा आप वजन उठा ले रहे हैं, तो शरीर का जितना ऑर्गन्स होता है वो मांसपेशी को तेलता है। ठीक है, अगर मांसपेशी कमजोर पड़ जाती है तो ऑर्गन्स बाहर छेद कर निकल जाता है, इसे छेद कर निकल जाता है। तो इसके मेन जो कारण है वह है भारी वजन उठाना। ठीक है, भारी वजन उठाने की वजह से भी आपको हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एक बैग वेट भर गया, आपको वजन बढ़ने लगा, तो इसके जब शरीर का जब वजन बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि शरीर का ऑर्गन्स भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मांसपेशी को तोड़ेगा, मांसपेशी कमजोर पड़ जाएगा तो वह बाहर निकल जाएगा, तो वजन बढ़ना भी आपको इसका कारण हो सकता है हर्निया बीमारी का। ठीक है, और दोस्तों अनुवांशिक, ठीक है अनुवांशिक के भी कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका माता पिता का कभी हर्निया हुआ है तो आपको भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए माता पिता को भी मांसपेशी कमजोर हो सकते हैं, तो आप उनसे हैं तो आपको भी मांसपेशी कमजोर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन कम केसेस में ऐसे देखा जाता है, लेकिन अनुवांशिक में गिना जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, तो अनुवांशिक भी हो गया, यानी जो तीन जो कारण है इसके वजह से आपको हर्निया हो जाती है। इसका इलाज क्या है दोस्तों, देखिए इसका इलाज मात्र एक ही है, सर्जरी। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों सर्जरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मांसपेशियाँ खराब हो जाती है। मांसपेशी जब खराब हो जाती है तो दवा से ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। मान लीजिए जो छेद हो गया, दवा से भरेगा पेट के अंदर, नहीं ना भरेगा, तो मांसपेशी खराब हो जाने की वजह से भी आपको क्या होता है, हर्निया हो जाती है। इसलिए सर्जरी इसका उपाय है, दवा से ठीक नहीं होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हर्निया के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जानते हैं क्यों, क्योंकि उसको सही से इलाज किया जा सके। और हाँ, अगर सही से अगर इलाज नहीं हो रहा है, सही से ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो दुबेरा हर्निया हो सकता है। क्यों दुबेरा हर्निया हो सकता है जानते हैं, क्योंकि देखिए आपको बोले कि मांसपेशी कमजोर होने की वजह से मांसपेशी खराब हो जाती है, तो उसमें ऑपरेशन जब होता है ना तो जाली लगता है। अगर जाली कमजोर लग गया या सही से जाली नहीं लगा, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी लीकेज छूट गया, तो यह जो है धीरे धीरे फिर अपना मार मार इस तरह ऑर्गन्स मारेगा, प्रेशर देगा और फिर छेद बढ़ जाएगा, वही हर्निया हो जाएगा, फिर अपने से निकलने लगेगा। इसलिए सर्जरी करवाइए, ध्यान से करवाइए और अच्छा से करवाइए, डॉक्टर से बोल दीजिए। और डॉक्टर साहब लोग कोशिश करवे करता है लोग कि अच्छा से करें,
रियल केस में कभी काल हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग अच्छा से जरूर देखें। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग के दिमाग में यह जरूर घुसता होगा कि हर्निया से कैसे बचे, हर्निया बीमारी से कैसे बचे। देखिए दोस्तों हर्निया बीमारी से बचना है तो आपने मसल्स को मजबूत रखना है, यानी जो अंदर के मांस है ना इसको मजबूत बना के रखना है, जो कि हाथी शरीर का ऑर्गन्स इसको तोड़ ना पाए। तो ये कैसे मजबूत होगा, तो आपका न्यूट्रिशन जो है शरीर का भरपूर मात्रा में खाना चाहिए और जिससे आपको मसल्स मजबूत रहे, ठीक है। यानी खाना पीना डाइट एकदम ध्यान से रखिए, मजबूत बना कर रखिए, आपको मसल्स जब मजबूत हो जाएगा ना तो कभी हर्निया नहीं होगा। इतना बात याद रखिए कि इतना भारी काम कर लीजिए। अब देखते हैं ना कोई आदमी बहुत ज़्यादा भारी उठा है, क्विंटल क्विंटल बोरा उठा लेते हैं फिर भी उसका जो है हर्निया बीमारी नहीं होता है। कोई कोई एक किलो उठा लेता है ना, एक किलो पाँच किलो दस किलो उसको हर्निया हो जाता है जो उठाएगा, क्योंकि उसका मसल्स कमजोर है, उसका काम करते करते वो मसल्स मजबूत हो गया है, ठीक है, और उतना खाना भी खाता है जिससे आपको उसका मसल मजबूत है। इसलिए न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में लीजिए, इससे आपको हर्निया आपको नहीं होगा, मसल्स मजबूत हो जाएगा तब। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद जय भारत। नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्या ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। नमस्कार।